हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में लेक्चर टू। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में इससे पहले वाला जो लेक्चर था 31 ईयर प्रॉब्लम में, वो आप अच्छे से देख लेना और समझ लेना। ठीक है, और साथ साथ प्रैक्टिस करना यार, क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन करो। ठीक है, सीट सॉल्व करो, डीपीपी सॉल्व करो, टेस्ट दो। ठीक है, चलो ये स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है वो प्यारे बच्चों डाउट में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, आज हम इसको देखेंगे। ठीक है, चलो थ्री लिक्विड है जिनकी डेंसिटी अलग अलग है। चलो हमारे पास तीन लिक्विड है जिनकी डेंसिटी अलग अलग है और उनमें एक रिलेशन दिया हुआ है, द सेम सरफेस टेंशन। जो सरफेस टेंशन है उसकी वैल्यू भी सेम है यार। ठीक है, चलो तो हाइट भी सेम है, राइज कर रहा है। ध्यान देना कि लिक्विड राइज करता है, लिक्विड फॉल भी कर सकता है, राइज भी कर सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ट्यूब में इन थ्री कैपिलरी आइडेंटिकल ट्यूब। आइडेंटिकल ट्यूब मतलब ट्यूब की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस है वो ट्यूब की रेडियस सेम है। ठीक है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा वन थीटा टू में रिलेशन निकालना है। चलो इसको करते हैं। पहले इधर मैं क्वेश्चन आपको एक बार ढंग से समझाता हूँ और ये क्या कह रहा है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस कंसीडर एक ट्यूब। चलो तो एक ट्यूब कंसीडर मैं कर ले रहा हूं, ये रहा मेरा ट्यूब। ठीक है, तो इस ट्यूब में हमने कुछ वाटर रख दिया और अगर लिक्विड राइज होती है तो इस ट्यूब में लिक्विड में निस्कस कुछ ऐसा आता यार, ऐसा। ठीक है, लिक्विड की जो सरफेस होती है कुछ ऐसी होती है और इसमें एच हाइट तक लिक्विड राइज कर गया। अब ये जो हाइट है, जितनी हाइट तक राइज किया एच, इसका एक फार्मूला होता है जो हम रट लिए हैं, पढ़ लिए हैं, लिक्विड एसेंट फार्मूला 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई रो जी आर। ठीक है, ये वेयर t सरफेस टेंशन, cos थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आर ध्यान देना रेडियस ऑफ द ट्यूब है और रेडियस ऑफ मेनिस्कस, ये जो मेनिस्कस है जो लिक्विड की सरफेस है इस ट्यूब में उसकी रेडियस के टर्म में भी ये लिखा जाता है, उसकी वैल्यू आती है रो जी कैपिटल आर। ये दोनों फार्मूले लगते हैं। अभी कौन सा लगेगा हमें, ये लगेगा क्योंकि कॉस थीटा के बीच में एंगल निकालना। अब हाइट सेम है, नेचर ऑफ लिक्विड सेम है तीनों में, रेडियस ट्यूब सेम है, सरफेस टेंशन सेम है, बट डेंसिटी और कॉस थीटा अलग है। तो यहां से मुझे मिल जाएगा डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्यारे बच्चों कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर ये कॉस थीटा प्रोपोर्शनल है और ये डेंसिटी रो वन रो टू और रो थ्री, ये हमें पहले से बताया गया है। ठीक है, पहले से बता दिया गया है कि ये भैया ऐसा होता है, तो ऐसा होता है तो कॉस थीटा भी ऐसा ही होता होगा। क्यों? क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे भाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कॉस थीटा वन इज ग्रेटर देन कॉस थीटा टू इज ग्रेटर देन कॉस थीटा थ्री, बट कॉस थीटा में है ऐसा हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कॉस थीटा है डेंसिटी के, थीटा कॉस थीटा से कैसे रिलेटेड है वो मुझे निकालना है। और बच्चों को प्रॉब्लम यहीं आता है मेरे भाई। ठीक है, तो बच्चों को प्रॉब्लम यहाँ आता है, सब कुछ तो वो कर लिए, अब कॉस थीटा में रिलेशन हमको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा, आप अगर नहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता है तो आपको इतना तो पता होगा कि कॉस थीटा अगर जीरो होता है तो थीटा 90 है, मतलब अगर कॉस थीटा की वैल्यू कम हुई, जीरो हुई, तो थीटा की वैल्यू 90 हुई, कॉस थीटा की वैल्यू कम है तो थीटा ज़्यादा है यार। ठीक है, या नहीं तो और ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हो तो ग्राफ बना लो। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हो तो ये ग्राफ बना लो, y इज इक्वल टू कॉस थीटा का ग्राफ मैं बनाता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ऊपर प्लॉट किया मैं कॉस थीटा की वैल्यू, इधर प्लॉट किया मैं थीटा की वैल्यू, तो मुझे सुंदर सा ग्राफ ऐसा आता है जो मैं पहले से हमें पता है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है वो बहुत ही मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये ऊपर ये जो है वो प्लस वन होता है, ये वैल्यू प्लस वन है। ठीक है, ये प्लस वन है और ये माइनस वन है, और प्लस वन होता है यहाँ थीटा की वैल्यू जीरो है। ठीक है, और जब थीटा इक्वल टू जीरो है तो ये, और यहाँ पे माइनस वन है तो इसका मतलब यह है थीटा इक्वल टू पाई है, और ये जीरो है तो यहाँ थीटा इक्वल टू पाई बाई टू है। ठीक है, क्लियर है, तो पाई बाई टू पाई बाई टू पाई बाई टू, ये थ्री पाई बाई टू। ठीक है, तो ये सब एंगल है। ठीक है, क्लियर है, तो ये हमें अच्छा सा बहुत बेहतरीन ग्राफ मिल गया। अब इससे हम कॉस थीटा और थीटा में रिलेशन निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट के बारे में सोचो, इस पॉइंट, ये पॉइंट के बारे में फोकस करो, इसी के बारे में सोचो, बस सोच लिए। अब दूसरे के बारे में सोचो, बी के बारे में सोचो, फिर सी पॉइंट के बारे में सोचो, इस ग्राफ पे देख रहे हो, जब तुम
ये लिए थे तो cos थीटा की वैल्यू इतना था और थीटा इतना था, जब b लिए थे तो cos थीटा इतना था और थीटा इतना था, जब c लिए थे तो cos थीटा इतना था और थीटा इतना था, ठीक है। मतलब a b c से नीचे आ रहे हो तो cos थीटा की वैल्यू कम हो रही है, थीटा बढ़ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो ना भाई। थीटा इधर देख रहे हो, थीटा की वैल्यू बढ़ रहा है तो कॉस थीटा कम हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अच्छा वाला रिलेशन है वो थीटा के टर्म में मुझे ऐसे दिखेगा, कॉस थीटा वन थीटा टू से ग्रेटर है तो थीटा वन इज लेस देन थीटा टू इज लेस देन थीटा थ्री, इनवर्स रिलेटेड है। जैसे जैसे ग्राफ पे मैं कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ और वैसे वैसे थीटा की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो थीटा की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू सबसे वन होती है प्लस वन, तो थीटा जीरो हो गया, ठीक है। चलो तो इसका मतलब, और साथ साथ ये तो बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ से एक बात अच्छा से समझ लो कि लिक्विड राइज होती है, लिक्विड कब राइज होती है, जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा लिक्विड राइज होती है तब। इस फार्मूले से अगर पढ़ के आए होंगे, और आज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से तीन केस पॉसिबल होता है। एच पॉजिटिव होती है तो लिक्विड राइज होती है, एच निगेटिव होती है तो लिक्विड फॉल होती है, एच जीरो होता है तो लिक्विड का कुछ नहीं होता इस ट्यूब में, ठीक है। एच पॉजिटिव होता है, जैसे हमने वाटर रख दिया यहाँ पर, और वाटर रखने के बाद मैं एक ग्लास का ट्यूब डाल दिया, मैं मरकरी रख दिया और ग्लास डाल दिया तो वो नीचे आ जाता है ना, ऐसा समझ रहे हो ना। बता दूँ, यहाँ हमने मरक्यूरी रख दिया, ठीक है, और एक ग्लास डाल दिया तो ट्यूब में ऐसा आता है, ठीक है, ऐसा कुछ पड़े हो ना भाई, ये तो ट्यूब डिसेंट फार्मूला। और एच जीरो, अब ये कॉस थीटा, एच पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा जीरो होगा वो थीटा डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा, थीटा। तो कॉस थीटा पॉजिटिव, एच पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, और कॉस थीटा पॉजिटिव जब होता है जब थीटा ये, दिस इज द रिलेशन। और थीटा थीटा, अरे मेरे भाई, थीटा इधर से, थीटा इधर से लेके आओ तो पाई बाई टू लेस देन पाई बाई टू, थीटा वन लेस देन थीटा टू इज लेस देन थीटा थ्री इज लेस देन इक्वल टू जीरो, दैट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको कहाँ गया, कोई है कि नहीं है, है, अरे भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग सॉल्व करें हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है।